हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों को एक और नए ब्लॉग पे। सुबह सुबह में और मम्मी उठ चुके हैं, हम दोनों फ्रेश अप भी हो चुके हैं और मम्मी ने पूजा पाठ वगैरह भी कर लिया है। तो आज जो है हम लोग पकाएंगे पत्ते में मछली। बहुत दिन हो गया मुझे खाने का मन कर रही थी वो मछली पत्ते में। एक्चुअली बेम्बू होने से ठीक होना था, पर क्या करें बेम्बू नहीं है हम लोग के पास, तो आस पड़ोस में ढूंढने से भी थोड़ा देर हो जाएगा। आज मम्मी को जो है मंदिर पे जाना पड़ेगा, तो मंदिर पे जो है खाना वगैरह भी लेके जाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है मम्मी ये देखो मछली को सफा कर रहा है। कल लम्बू लेके आया था, ये लोकल मछली है, एकदम छोटे छोटे है। ये देखो यहाँ पे सफा कर रही है, पूरा छिलके वगैरह को फेंक रही है, तो यहाँ पे लग रही है बहुत सारा है। तो इसका साइज ना परफेक्ट है, इतना इतना होने से बहुत अच्छा है। मछली जब तक वो रेडी हो ना जाता है तो उसको मैं रेडी कर नहीं पाऊंगी, तो पत्ते सबसे पहले लेके आना पड़ेगा, पत्ते में पकाना पड़ेगा ना। हाँ बेम्बू नहीं है, पत्ते में पकाना पड़ेगा। तो मैंने चावल को भी यहाँ पे दे दिया है दोस्तों बाहर पे। मम्मी अभी भी मछली को सफा कर रही हो देखो, और वहाँ पे आग भी जला दिया है। तो अभी और भी एक्स्ट्रा सब्जी पकाना पड़ेगा, तो क्या पकाऊंगी, खुशबूदार वाला पत्ता है थोड़ा सा है, तो उसमें मिक्स करके पकाना पड़ेगा। मैं बैंगन तोड़ के लेके जाती हूँ। ये देखो दो दो बैंगन का पेड़ है, इसमें बहुत बैंगन लगता है पर हम लोग उतना खाते नहीं। इसमें एक तो है, पूरा काटे है बैंगन में, काटे काटे और कहाँ गया, छोटे छोटे। तो बैंगन भी तोड़ दिया है, इसमें जो है मैं खुशबूदार पत्ता ऐड कर दूंगी। और मछली अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है ना, फिर से वॉश करना पड़ेगा है अच्छे तरीके से। पानी पूरा देखो ना गंदा नज़र आ रहा है पानी, अब इसको थोड़ा वॉश कर लेती हूँ। बैंगन को जो है यहाँ पे रख दिया है, अभी इसको जो डंडा वगैरह फेंक के मुझे वो काटना पड़ेगा, इसको ऐसे ऐसे लंबा लंबा करके काटना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है मैं अदरक को जो छील के यहाँ पे पीस देती हूँ। मछली भी रेडी हो चुका है, मम्मी लेके आ रही है। मछली को रेडी करने के बाद डायरेक्ट वहाँ पे आग पर देना पड़ेगा। हो गया, ये देखो वाओ। जब भी मछली को पत्ते में पकाओगे थोड़ा सा अदरक जो है ज़्यादा चाहिए होता है, ज़्यादा देना पड़ेगा अदरक। पत्ते में पकाने से अदरक बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो अदरक को जो है यहाँ पे मैंने खोद दिया है दोस्तों, और इसमें थोड़ा सा एक दो तू लहसुन दूंगी यहाँ से, एक दो तू बस, ज्यादा नहीं। और यहाँ कढ़ाई पर जो है पानी के साथ मैंने ड्राई फिश वगैरह नमक वगैरह दे दिया है दोस्तों। अभी बैंगन को दे देती हूँ, कटिंग भी कर लिया है। ये देखो बैंगन को जो है ऐसे मैंने चार टुकड़ा कर दिया। अभी जाओ पूरा जल्दी मैं खाना बना रही हूँ, मम्मी को जल्दी निकलना है। इसको ढक के रखना पड़ेगा, और यहाँ बाहर पे मछली में जो इंग्रेडिएंट्स दे दूंगी उसे रेडी कर रही थी। पूरा हड़बड़ी में दो दो, इधर भी काम करो उधर भी काम करो। मम्मी को जो है जल्दी जाना पड़ेगा ना मंदिर पे, इसलिए मैं पूरा फटाफट से खाना बना रही हूँ। अभी मछली को रेडी कर दूंगी, मम्मी गई है बगीचे में पत्ते लेने के लिए, तो वहाँ बैंगन का सब्जी भी आराम से पक जाएगा। ये देखिए दोस्तों बैंगन जो है यहाँ पे उबल रही है, तो लास्ट में खुशबूदार वाला पत्ते को दे दूंगी, थोड़ा सा है तो हो जाएगा इसको मिक्स करके। तो अभी मम्मी ने पत्ता भी लेके आ चुकी है, ये देखो पत्ता भी ला दिया है यहाँ पे, और आँख में भी सेक लिया है नहीं फटने के लिए। आँख में सेकने से ना वो नहीं फटता है, थोड़ा लास्टिंग होता है, नहीं तो आँख में नहीं सेकने से इतना फट जाता है, पैकिंग करते करते पूरा फट ही जाएगा। अभी मम्मी पत्ते को रेडी कर रही है, ये देखो पत्ते को कैसे देते है, इधर ऐसे बड़ा बड़ा करके देना, ओ फट गया। और भी एक तो देना पड़ेगा, ज्यादा पतला हो जाएगा, ज्यादा पतला हो जाएगा नहीं तो ना।
तो अभी मछली को तो वॉश करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ज्यादा वॉश करने से इसका तेजी चला जाएगा। तो मम्मी ने ऑलरेडी वॉश कर दिया है। अभी इसमें मैंने प्याज और ग्रीन चिल्ली एंड इसमें अदरक और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट रेडी, और इसमें नमक हल्दी थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल हो गया। ये देखिए पत्ते में दे दिया है, और मम्मी बोल रहे हैं कि दोस्तों पत्ते में पकाने से थोड़ा सा टाइम लगता है उसको पकने के लिए, तो मम्मी थोड़ा सा उनके लिए जो है कढ़ाई पे पकाएगी बोल रही है, तो मंदिर पे नहीं तो लेट हो जाएगी ना। इसमें दे रही है नमक, ये देखो पत्ते में पकाने से थोड़ा सा नमक की ज्यादा जरूरत है, और इसमें हल्दी, ये लो मस्टर्ड ऑयल, एक तो चम्मच लेके आती हूँ ना, चम्मच ये लो, पूरा दे दो। ये देखो नमक हल्दी अदरक और थोड़ा सा लहसुन, लहसुन ज्यादा नहीं देना है पत्ते का तेजी चला जाएगा, तो मैंने थोड़ा सा दिया था। मिर्च भी पूरा दे दो, एकदम स्पाइसी करके खाएंगे। बढ़िया, अभी से खुशबू आ रही है अदरक का खुशबू, और तेल भी ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, हल्का सा देने से हो जाता है। हो गया, अभी इसको जो है अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। पूरा मिक्स कर दिया है मम्मी ने, ये देखिए दोस्तों इसमें पूरा कलर मजे से दिख रहा है ना, ज्यादा हम लोग हल्दी भी नहीं दिया है, ये देखो हल्दी थोड़ा सा दिया था, ज्यादा नहीं दिया है हल्दी। हो गया, ज्यादा हल्दी देने से टेस्ट नहीं होता। हाँ, ज्यादा हल्दी देने से जो है उसका टेस्ट थोड़ा बिगड़ जाता है। और इधर में बैंगन का सब्जी का क्या हाल हो गया देखिए। अभी मुझे खुशबूदार वाला पत्ते को देना पड़ेगा, उधर मम्मी काम कर रही है और इधर पे मैं, इतना हरभरी होती है बाप रे। तो हो गया वो, हाँ अभी इसको बंद करना पड़ेगा, और वहाँ कढ़ाई पे रख दिया मम्मी ने ये वाला जो है, वो मम्मी के लिए थोड़ा सा रख देंगे पत्ते वाला शाम को ना। हाँ। हम लोग खाएंगे थोड़ा थोड़ा। अभी इसको अच्छे से पैकिंग करना पड़ेगा, इसका गैस बाहर नहीं जाने के लिए। पैकिंग हो गया है। रेडी चलो आग पे दे दो। बाप रे बाप, पूरा कलर अजीब सा हो गया। यहाँ मम्मी ने दे दिया है आग पर, ये देखिए ज्यादा तेज आग पे नहीं देना है, उसमें जो राख वगैरह गिरता है ना उसमें ही देना है उसका ऊपर में, तो लगभग लगेगा इसमें आधा घंटा ऐसा। पत्ते में पकाने से थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मम्मी लेट हो जाएगी, इसलिए जो है कढ़ाई पे पकाना पड़ेगा। और यहाँ कढ़ाई पे जो मम्मी ने दिया था ये देखिए थोड़ा सा जूल दिया है, जूल को छुपना पड़ेगा, तो बस रेडी हो जाएगा। और वहाँ आग पे जो दे दिया मछली, उसे जो है थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उसमें राग वगैरह फिर से साइड साइड में देना पड़ता है, नहीं तो नहीं पकेगा। थोड़ा जल्दी पकाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। मम्मी ने जो है मंदिर में लेके जाने के लिए ये वाला पैकिंग करके रख दिया है, इतना बढ़िया तरीके से पैकिंग कर दिया, ये देखिए ना पत्ते में। टिफिन में लेके जाने से टिफिन जो है थोड़ा वो बड़ी है ना, इसलिए दिक्कत होती है, हाथ में पेन होती है, और मम्मी इधर उधर वो अपने दोस्त लोगों का वहाँ पे भी जाएगी, इसलिए कहाँ उसे लेके जाएगी। तो पत्ते में लेके जाने से तो इजी होता है, पत्ते से ऐसे पैकिंग करके रख दो बस। तो अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रही है, और आपका ये मछली ये देखो, और पत्ते में पैकिंग कर दिया उसे। ओ ठीक है, आप आराम से ब्रेकफास्ट करो, हम लोग तो बाद में करेंगे। तो सबसे पहले मैं मछली को देख के आती हूँ, मछली को देखना पड़ेगा। ओ लट्टो, यहाँ पे लेते तो आराम से सो रहा है, ये देखो पूरा पत्ता जल गया, तो कोई बात नहीं, मम्मी ने पत्ता ज्यादा दे दिया ना, और भी थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं पकने के लिए। और
और दीदी यहाँ पे काम कर रही है, ये देखो हम लोग का क्या बोलेगा, ये वाला पिलर लकड़ी का पिलर जो है एकदम खत्म हो चुका है, इतना ज्यादा मिट्टी निकल आ चुका है। इसमें एक तो फ्लावर का पौधा था तो उसे जो है काट दिया है दीदी ने, फिर से यहाँ पे रख दिया। इसको एक अलग करके लगाएंगे ना, हाँ अब इसमें तो नहीं हो पाएगा। देखो ना पूरा आंगन भी गंदा हो गया, गाबुच्चे और लेतो ने पूरा कान कर दिया, उधर में बहुत ही गद्दा खोद दिया। प्लास्टिक नहीं होता है ऐसे, एक तो वो कहता है ना इसमें वो तारपोलिन लगा के वो गद्दा पे डायरेक्ट डालते हैं, तो उस टाइम पे तो हर बारी में दीदी लोगों ने ये वाला घर बनाया, ज़्यादा वो कर नहीं पाया। फिर भी अभी कितना साल हो गया, 3 साल से ज़्यादा हो गया ये वाला घर ना, 4 साल, हाँ 4 साल से ज़्यादा हो गया। वो वाले पौधे को जो है यहाँ पे लगा रही है दीदी, ये देखो। और इसमें देखो ना इतना सुंदर सा फूल, सेम टू सेम वैरायटी का है, पर ये वाला अब देखो ना डिसकलर जैसा लगता है, इसमें कलर गया ना, कलर चला गया सेम टू सेम है ये वाला, इतना रेड है ये देखो ना, इतनी खूबसूरत लगता है ना ये देखने से। मम्मी रेडी हो चुकी है, अभी जा रही है मंदिर पे, तो खाना वगैरह को जो है डायरेक्ट बेड पर डाल रहा है, उसमें पॉलिथीन से बांध के हाँ बैग में डाल दिया। हाँ अच्छा है, आते आते शाम हो जाएगा ना। ठीक है अच्छे से जाओ। आंगन पर दीदी जो है साफ सफाई कर रही है, ये देखो जब भी सफा करता है बस 2-3 दिन रख पाते हैं, फिर उसके बाद इतना गंदा हो जाता है ना, गाबुच्ची और लिट्टू पूरा गंदा कर देता है, इतना गद्दा गद्दा खोद दिया। अभी थोड़ा सा दिखा देते हो आप लोगों को, ये देखो हम लोग इस साइड में रहते हैं और यहाँ पे देखो गड्ढा खोद दिया, 2 तू उधर में, 1 तू इधर में सोते है, पूरा रात को शैतानी करते, और इधर पे भी 1 तू कर दिया ये देखो। अभी इसमें मिट्टी वगैरह देना पड़ेगा, उस दिन मैंने ये वाला सफा किया था, इसमें तो गंदा ज़्यादा नहीं दिख रहा है पर मिट्टी के वजह से गंदा लग रहा है। और दीदी वहाँ पे सफ़ा कर रही है वो देखो, अब इस टाइम पे सफ़ा करने से पूरा बिसा लगता है, ये आंगन से पूरा बिसा निकलता है, बहुत खुजली होता है, सफ़ा करने के बाद नहाना पड़ता है। दीदी तो आंगन की साफ सफाई कर रही है दोस्तों, तो अभी तक हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो मुझे भूख लग रहा है, सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट करूंगी, फिर उसके बाद जो है मैं भी हेल्प करूंगी, यहाँ पे दोनों मिलकर जो है साफ सफाई करेंगे। अभी दीदी वहाँ पे सफा कर रही है, तो मछली भी हो चुका है, अभी लेके जाती हूँ मछली को, ये देखो पूरा पत्ता जल गया, वाह इसको गिराना पड़ रहा है, हाँ ये देखो पूरा जल गया, वाह खुशबू ही खुशबू आ रही है। अभी सीधा ब्रेकफास्ट निकाल लेती हूँ, सभी को भूख लग रहा है, मम्मी तो चली गई वो खा के, अभी बस हम तीनों हैं घर पे, मेरा पतलू मैन जो है अपने दुनिया में खो गया वो। अभी दीदी जो है खोल रही है, ये देखो पूरा काम करके आ चुकी है, फिर से काम करना पड़ेगा ना, खाना खाने के बाद, वाओ खुशबू इतना अच्छा है, हाँ बढ़िया बढ़िया, ओहो मजा आएगा, ये देखो टेस्टी 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 हैपनिंग। टेस्टी नजर आ रहा है, अभी ले लो, अदरक का खुशबू अच्छे से आ रहा है ना, ये पत्ते में पकाने से ऐसे होता है, बहुत ही बढ़िया होता है, इसे मत दो ये नहीं खाता है, ये बस बैंगन से खाएगा बैंगन से खाएगा, ले लो भाई, बेचारा खाने नहीं मिलेगा तो फिर से बोलेगा। मछली हम खरीद के लेके आया था तो अभी खाते हैं दोस्तों, ये देखो मछली भी दीदी ने दे दिया है, और इसमें बैंगन का सब्जी है, आज बस ये 2 सब्जी से ब्रेकफास्ट हो रही है, तो अभी शुरुआत करते हैं मछली से, ये देखो मछली, लोकल मछली बहुत ही टेस्टी है, बिल्कुल सरप है सरप मीन्स क्या बोलेगा उसको हिंदी में, हाँ नहीं पता, पता नहीं हिंदी में, टेस्टी का वो टेस्टी को बोलेगा शायद, मैं तो मछली का सर नहीं खाती हूँ। तो खाना वगैरह खाने के बाद जो है दीदी ने पूरा आंगन की साफ सफाई भी कर दिया है, अभी मैं नहाऊंगी, बहुत ही गर्मी लग रही है, आजकल पूरा गर्मी का टाइम हो चुका है ना, ठंडा नहीं लगता पूरा गर्मी लगता है, बहुत ज्यादा धूप दे रही है। मैं
मैं और लेमो ने जो है नहा धो के हम लोग गए थे मार्केट की ओर, अभी अभी आ चुके हैं घर पे। तो मेरा जो फ्रूट्स वगैरह है वो खत्म हो चुका था, इसलिए मैंने वो लेके आ चुका है वो फ्रूट वगैरह। तो वो सब जो है लेमो ने रिकॉर्ड किया, मैंने वहाँ पे जाके ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि दोनों का सेम टू सेम हो जाएगा तो आप लोग ही बोरिंग हो जाओगे। मुझे सोनार का वहाँ पे जाना पड़ा था क्योंकि वहाँ पे मैंने कुछ सामान वगैरह दिया था ना उसे जो है बनाने के लिए, अभी तक वो रेडी नहीं हुआ है, कल या परसों में फिर से जाना पड़ेगा, पर मैं नहीं जाऊंगी, लेम्बो लेके आ जाएगा। शाम होने को चला है दोस्तों, अभी सब अपने अपने काम पे लग गए हैं, मुझे बनाना पड़ेगा डिनर। और दीदी जो है सुबह से लेकर पूरा साफ सफाई कर रही है, यहाँ पे हम लोग का जो कचरा वगैरह फेंकते हैं ना इसमें वो बेत का जंगली बेत का जो डंडा वगैरह है उसे फेंकना पड़ता है, तो इसमें दीदी पूरा आग जला दिया है। अभी ये जलने के बाद पूरा मस्त होगा ना। इस साइड में ये पूरा जंगल जंगल हो चुका है और इधर में थोड़ा सा मस्टर्ड लीव्स का सीड है, तो वो पकने के बाद पूरा ये क्लीन कर देंगे, इसमें दवाई वगैरह भी मारना पड़ेगा। वैसे भी गर्मी का टाइम है ना, स्नैक आता है स्नैक, पिछले साल में भी एक तो आया था हम लोग का यहाँ बाथरूम पे, और मम्मी भी आ चुकी है। तो आज घर पे सिर्फ हम तीनों ही है, और मम्मी आते ही देखो मम्मी भी काम करने में लग गई है, बाबूजी को भी बांध के रख दिया नहीं तो ये मुर्गी चोर करने जाएगा। मम्मी लकड़ी वगैरह उठा रही है, तो अब भी शुरू करते हो अपना डिनर बनाने का प्रोसेस। यहाँ पर चिकन का गिजाट को जो है मैंने काट के अच्छे से वॉश कर दिया है, और गाबूचे के लिए भी लेके आए थे हम लोग। यहाँ पे ये बॉयल हो रही है ये देखो, और इसमें जो है दीदी ने जंगली बेत जो है लेमो मार्केट से लेके आया था, इसे अभी सब्जी पकाएंगे, इसको कटिंग करके रखी है। एंड यहाँ पे आलू भी, चिकन का गिजट को पकाने के लिए यहाँ पे मैंने टमाटर भी रख दिया है, दो टू टमाटर दिया ग्रेवी बनने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ दे दूंगी प्याज को, यहाँ पर जो है लहसुन का पेस्ट, ये देखो थोड़ा सा है हो जाएगा, टमाटर को दे देती हूँ, फिर इसमें दे दूंगी हल्दी, चलो हल्दी नमक दे दो, अभी यहाँ से मिर्च, अभी यहाँ पर जो है फिर से आलू पकाएंगे। ये देखो ड्राई फिश दे दिया है, हम लोग का बॉयल जो है ड्राई फिश के साथ होता है, और कास्लो का बॉयल मतलब ओनली लहसुन एंड नमक, हम लोग का ड्राई फिश कंपल्सरी है। ये देखिए दोस्तों ग्रेवी जो है एकदम मस्त करके बन चुका है, अभी गिजरात को दे देती हूँ। मैं मसाला देना भूल गई थी दोस्तों, यहाँ पे मैंने दे दिया है जीरा वाला मसाला, ये एक्चुअली मिक्स है, यहाँ पे है थोड़ा हम लोग का मसाला लोकल वाला मसाला, अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पर है दोस्तों गिजरात का सब्जी, ये देखिए इसमें मैंने पानी नहीं दिया है, बस इसका ग्रेवी के साथ जो भी पानी निकला उसी से पका रही हूँ। और फिर से दीदी ने यहाँ पे जंगली बेत का सब्जी को दे दिया है, आलू तो रेडी हो चुका है वो। अभी हम लोग का डिनर जो है रेडी हो चुका है, पर अभी तक हमने जो है डिनर नहीं किया, और ये दोनों भी पहुंच चुके हैं। प्रियंका का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, बुखार है, वीडियो अपलोड करने के लिए आया है ऑफिस में, रात होने से भी बिना टाइम होने से भी आना पड़ता है। हम लोग का ऑफिस बढ़िया है ना, बिना टाइम का आने से भी हो जाता है। डिनर निकाल दिया है दोस्तों, और ये दोनों मियां बीवी जो है डिनर नहीं कर रहे, ये तो डिनर कौन कर सकता क्या गया, प्रियंका तबियत ठीक प्रियंका का तबियत ठीक नहीं है, पर हम लोग इसको जो है बोल रहे हैं थोड़ा सा डिनर करो हम लोग के साथ, चलो तब तो हम लोग खाएंगे। ठीक है ठीक है, अभी खाते हैं चिकन का गिजाब से, और हम लोग सुबह खाए थे मूसली। थोड़ा सा है मम्मी के लिए रख दिया, ये देखो ये पत्ते में, तो सबसे पहले मैं ले लूंगी बेत, बिकॉज आई लव बेत, जंगली बेत। तो अभी हम डिनर करते हैं दोस्तों, डिनर करने के बाद फिर से वीडियो को कंटिन्यू करूंगी। मैंने डिनर वगैरह भी कर लिया है दोस्तों, अभी मैं आई हूँ अपने रूम पे, पूरा रूम का लाइट ही मैंने ऑफ कर दिया है, इतना प्लस लाइट की वजह से मैं आग को भी ठीक से वो कर नहीं पा रही हूँ। तो अभी जो है वीडियो को यहीं तक समाप्त करना पड़ेगा, तो उम्मीद करते हो आप सभी को जो है आज का ब्लॉग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो जरूर से कमेंट कर देना, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। बाय बाय, मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ, अभी मैं सोऊंगी।